नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है प्रकृति, नेचर। फ्रेंड्स, क्या प्रकृति भी एक भगवान का ही रूप है? क्या आपको लगता है ऐसा? जी हाँ, है, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में इतने उलझ जाते हैं, हम कुछ भी अचीव करते हैं, कुछ बनते हैं, हमें धीरे धीरे लगने लग जाता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होती कि जब इंसान ये कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। हमारी एग्जिस्टेंस हमारे काबू में नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो ये नेचर है, अगर ये अपना रूप दिखाने लग जाए, अगर हम ये दंडित करने लगे, तो हमारे पास कोई भी ऐसा मैनर नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है कि हम इससे बच सकें। फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप को देखें, अपने एग्जिस्टेंस को देखें, तो प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने हमें पानी दिया है, हमें अन्न दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो सारी चीज़ें इस धरती से निकलती हैं। कुछ भी देख लो आप, अपना घर देख लो, कोई भी आइटम देख लो, कोई भी ऐसी आइटम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति के बिना है। प्रकृति हमें ये अपने शुद्ध रूप के अंदर हमें प्रोवाइड करती है और हम उसको शेप देते हैं, हम उसको अपने हिसाब से उसकी अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे हम कहें पेड़ पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, अनाज है, हम उसको अपने अपने तरीके से उसमें उसको नई नई शेप देते जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सब कुछ प्रकृति का ही है। जहाँ हम रहते हैं, घरों में रहते हैं, वहाँ की ईंटें, लकड़ी, दरवाजे, खिड़कियाँ, इवन फर्श, कांच या जो भी चीज़ें, वो कहाँ से बनी हैं? अगर प्रकृति ये चीज़ें देना बंद कर दें तो हमारी एग्जिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं जो भगवान है, गॉड है, जिस भी रूप में हम उसको मानते हैं, वो ये प्रकृति के पीछे छुपा है। वो हमें दे रहा है, लेकिन आगे क्या है, उस सामने नज़र क्या आता है, हमें प्रकृति नज़र आती है कि वो हमें सब कुछ देता रहता है और हम कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। अगर हम देखें हमारा जीवन कैसे चलता है, हमारा जीवन किसानों के ऊपर भी डिपेंड है। वो हमें अनाज देते हैं, वो हमें डिफरेंट जो फल हैं, जो हमें चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, ईटेबल्स हैं, वो सभी वहीं से आती हैं। बेशक उसकी फॉर्म बदल जाए, उसको मिक्स एंड मैच करके, उसको प्रोसेस करके उसको कोई भी रूप दे सकते हैं, लेकिन आधार क्या है? आधार प्रकृति है, आधार नेचर है। और नेचर के पीछे कौन छुपा है? गॉड छुपा है। हम कई बार सुनते भी हैं कि जब कोई परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसको ना कोई दुश्मन लगता है, ना कोई मित्र लगता है, वो सभी में ही परमात्मा को देखता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपसे बात करनी थी वो प्रकृति के बारे करनी थी कि प्रकृति के पीछे भगवान छुपा है। तो हमें कभी भी इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।